नहीं तो सवेरे उठे तुलसी को पानी दिया, फिर अपने बदन पे पानी ले लिया, कोई मुझे छुए नहीं, चले गए। उसके बाद नहा लिया, धो लिया, भगवान के पास बैठ के घंटी बजाई। ये धर्म बाहर रह गया, अंदर नहीं। नमाज पढ़ी, बाइबल पढ़ा, सारा धर्म बाहर रह गया। अंदर आने के लिए वो धर्म अंदर से खाली होना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा। अंदर सब कुछ भरा हुआ है तो धर्म आके बैठेगा कहाँ? उसकी सफाई होनी चाहिए। और आज मैं रशियन अम्बेसडर से मिलने गई थी, वो इतने अभिभूत थे, बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने रशिया में इतना कार्य किया। अपनी गवर्नमेंट को तो ये समझ में आएगा, उनके बस का नहीं। पर उन्होंने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि आप जो भी आप मदद चाहे हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग स्वच्छ हो जाए, इनका हृदय स्वच्छ हो जाए। तो सहयोग में आने के बाद हर बार देखना चाहिए कि हमारा हृदय स्वच्छ हुआ कि नहीं, कि अब भी उसमें आसपास की ईर्ष्या, आसपास का दोष, यही सब घुमड़ रहा है। इस दिल को जब आप साफ करेंगे तभी तो ना परमात्मा का प्रेम इसमें भरेगा। तो ऐसी कुछ अजीब चीज है कि सहयोग में आने के बाद भी हम इसमें प्रयत्नशील नहीं रहते। एक आदमी दूसरे की बुराई देखेगा या किसी न किसी तरह से स्पर्धा में, कंपटीशन में पड़ जाए और इस स्पर्धाशील स्वभाव के कारण वो दूसरे से हमेशा अलग ही रहे। किंतु अगर अच्छाई में स्पर्धा शुरू हो जाए, अच्छाई में, तो सबकी अच्छाई बढ़ जाएगी और सब चीज ठीक हो जाएगी। पर ये भी नहीं हो सकता, कारण अभी तक आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आया नहीं। पर अजीब बात यह है कि आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से हमारे चित्त में आया नहीं, हमारे हृदय में पूरी तरह से बसा नहीं। तो सहयोगी होने पर भी डावाटोल मामले चलते हैं, और जब ये डावाडोल मामले चलते हैं आपसी झगड़े हो जाएंगे, ग्रुपबाजी हो जाएगी, तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। जब जरा गर्दन झुकाइए तो आप देखेंगे कि इस हृदय में आत्मा है। पर गर्दन झुकाने की बहुत जरूरत है। अगर आप कहेंगे कि मैं क्यों झुकूं, तो ये आपने बोल रही, ये मैं है अहंकार। इस अहंकार को आपको थोड़ी देर झुकाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो झुकता है कि नहीं झुकता है, तब फिर आपको आश्चर्य होगा कि आपका हृदय का कमल खिलने लगेगा और उसका सौरभ, उसका सुगंध सारे संसार में बहना शुरू हो जाए। तब फिर आपकी कुंडलिनी भी चढ़ पड़ेगी, कितने ही उसके तार खुल पड़ेंगे, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाए, आपकी कमजोरियां खत्म हो जाए।
किंतु पहले हृदय खोलने की बहुत जरूरत है। ये ठीक है, आप पार हो जाएंगे, आप सहयोग पे लेक्चर दे सकते हैं लंबा लंबा, सब बुद्धि का करिश्मा, और हो सकता है कि आपके हाथ से थोड़े लोग जागरूक भी हो जाए, लेकिन न तो आप आगे जा सकते हैं न तो वो लोग जा सकते हैं। जिसने इस प्रेम से हृदय को भर लिया, वही असली सहयोगी। पर फलस्वरूप क्या होता है कि इस शुद्ध प्रेम से भरे हुए हृदय को चारों तरफ फैला हुआ ये चैतन्य जानता है। और जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है तो ये सारा चैतन्य जो है वो अपने गण भेज करके आगे पीछे आपके दौड़ता है, देखता है। कोई चीज की जरूरत हो ले लीजिए, सहयोग में हमेशा लोग बताते हैं, माँ मेरे साथ तो ऐसा चमत्कार, मुझे तो आपने ऐसा दे दिया, मैंने कुछ दिया भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो इतना बताएंगे कि आपने इतना दे दिया, इतना दे दिया। ये सब परम चैतन्य आपको दे रहा, क्योंकि आपका हृदय प्रेम से भरा जा। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम आ जाए, शुद्ध प्रेम, तो ये तो परम चैतन्य स्वयं ही आपके अंदर आ गया, क्योंकि ये भी शुद्ध प्रेम है और यही आपके हृदय में भी है। तो ऐसा हृदय जिसमें ये शुद्ध प्रेम विराज रहा है, उसका संबंध तो हो ही गया उस परम चैतन्य से। तो क्या ये परम चैतन्य इस हृदय को जैसे कोई राही छोटा बालक है ऐसा समझ करके उसकी पूरी मदद नहीं करेगा, उसको नहीं देखेगा? और जब ये परम चैतन्य आपकी हर पल हर घड़ी रक्षा करेगा, आपकी पूरी इच्छाएं पूरी करेगा, आप में संतुलन और दुनिया भर का प्यार दे देगा, जब ऐसी आपकी सुंदर प्रकृति हो जाएगी कि आपको देखकर मां के फूल भी खिल उठे और वन के पेड़ भी आनंद से भराए, ऐसी जब आपकी सुंदर प्रकृति होने लगेगी, तब आपका विश्वास अपने ऊपर और सहजयोग के ऊपर दृढ़ हो जाएगा। जब तक ये विश्वास अंधा था, अंधेपन से आप दुनिया भर के कर्मकांड कर रहे थे, तब तक एक अंधे की लाठी जहां चल जाए, इसी प्रकार आपका जीवन था। घर समझ लीजिए, यहां सब अंधे बैठ जाए तो वो समझेंगे नहीं कि किसके पास बैठे हैं, किससे कितने दूरी पर हैं, क्या हैं। अगर उनको बाहर भी ले जाना है तो किसी को हाथ पकड़ के ले जाना पड़े, पर फिर ऐसा लगता है कि ये परम चैतन्य जो है ये मेरा हाथ पकड़ करके मुझे इधर ले जाएगा। घर समझ लीजिए, कहीं जा रहे हैं, रास्ता भूल गए, जरूरी है जहां जाना है सो ले जा रहा, मैं क्या करूं, ये परम चैतन्य मुझे ले जा रहा है, इसी के साथ में चले जा। सारी जिम्मेदारी इस परम चैतन्य ने ले ली, ये आपकी समझ में बात आ जाएगी। जब ये बात आपके समझ में आ जाए, तब ये जो अंधश्रद्धा है ये श्रद्धा बन जाए और विश्वास श्रद्धामय होगा, क्योंकि आपने सत्य को जाना और सत्य को जानते ही आपने उसको अपनाया है, इसलिए सत्य आपके साथ खड़ा रहे। और जो इंसान सत्य पे खड़ा रहता है उसको कोई डिगा नहीं सकता।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।